2002 के हिट एंड रन केस का शिकार बने एक पीड़ित अब्दुल्ला शेख ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि उनके साथ जो होना था वो हो गया, अब सलमान खान को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब्दुल्ला भाई बताइए, उस रात क्या हुआ था, क्या देखा था आपने, जो एक्सीडेंट हुआ था? सन 2002 28 सितंबर तकरीबन मैं 10-11 बजे टीम वहां सोने गया, सो गया। फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक बहुत बड़ी आवाज आई, जिसमें से मतलब हमारी आंख खुल गई। और आंख खुला तो लोग हल्ला मचा रहे थे कि सलमान खान एक्सीडेंट कर दिया। और उसके बाद में सलमान खान बाहर निकला, फिर जो है मैं गाड़ी के नीचे से बाहर, मतलब बेकरी वाले ने मुझे निकाला, बाहर निकाला तो सलमान खान और 2 आदमी उसके साथ में और थे। और उसके बाद में एक रिक्शा वाले ने सलमान खान को उसके घर पहुंचा दिया, और बेकरी वाले और पुलिस वाले जो है तब तक पहुंच गए थे, और पुलिस वाले जो है मुझे वहाँ बाबा अस्पताल पहुंचा दिए। आपको उस घटना में कहाँ लगा था? मेरा पैर पे लगा था, ये पैर टूट गया है, यहाँ से यहाँ तक राड पड़ा हुआ है, सलिया पड़ा हुआ है। उनको 2 दिन की बेल मिली थी, आज फिर बड़ा फैसला है, क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनको सजा होने से ना तो हमारी पैर अच्छा हो जाएगी और ना हमारी जो जिंदगी है बाकी की ये मतलब खुशहाल से मतलब गुजरेगी। मैं ये चाहता था कि उन्हें सजा भी ना हो और हमारी जो बाकी की जिंदगी वो अच्छे से कट जाए। कुछ इतने सालों में कुछ मदद मिली आपको सलमान खान के परिवार से, सलमान खान से किसी? नहीं नहीं, कोई मदद नहीं मिली है, जो कोर्ट से मुझे 1,80,000 मिला था वही मिला है। तो कुल मिला के आज आप क्या चाहते हैं, आज कैसा? मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कुछ मदद हो जाए, उन्हें सजा भी ना हो।